तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा स्टाफ नर्स के लिए परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। 8 अगस्त को आपका पेपर होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट यह कि आप कितना तैयार हैं इस एग्जाम को लेकर। अगर आपने अभी तक भी क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि देखिए हमारी 5 से 6 हज़ार MCQs की सीरीज शुरू हो चुकी है और इसमें कम से कम 2500 से 3000 क्वेश्चंस हम ऐड ऑन कर चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक एक बार भी पढ़ लेते हैं तब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके इस एग्ज़ाम के लिए। और थ्योरी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी भी टाइम है, जैसे कि प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आयुर्वेदा स्टाफ नर्स के लिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी हमने ऐड ऑन करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द आइए और इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट वन टाइम आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि बाल्यावस्था कितने साल तक रहती है। ठीक है, अब देखिए साथ में आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाते हैं। इंग्लिश की PDF में अगर आपने रीड करने तो इंग्लिश में कर लो, हिंदी में करने तो हिंदी में कर लीजिए। ठीक है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार रज की मात्रा क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में, आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, स्त्री में सवानी होती है, कितनी होती है, मर्म, पेशी, अस्थि, संधि। ठीक है, तो साथ में देखिए आंसर भी आपको मिल रहा है और इनका डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको टीचमेंट ट्यूशन ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, डेली क्लास आपकी रहती है सोमवार से शुक्रवार, और सोमवार से शुक्रवार ही आपके टेस्ट रहते हैं। जितने भी विभाग के अकॉर्डिंग टॉपिक्स आपके एग्जाम में सेट किए गए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस छूट गए तो सच मानिए बहुत कुछ छूट जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग से कम 600 से 700 क्वेश्चंस को हम ऐड ऑन करने वाले हैं। तो सोचिए 600-700 क्वेश्चंस में से क्या एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से बनता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, तो देखिए हमारे वीडियो कोर्स से आपको मदद मिल जाएगी, जो कि हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे जिन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 95 क्वेश्चन आ रहा है कि गर्भाधान कहाँ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वन टाइम भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डीप में जाना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डीप में जाते हो क्योंकि टाइम अब कम है। ठीक है, तो वन टाइम भी अगर आप पढ़ लेंगे इन क्वेश्चंस को तब भी काफ़ी रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता, जैसे कि अगर आपने भैषज्य कल्पना पढ़ना है, द्रव्य गुण विज्ञान, मान लीजिए द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर 101 से 200 क्वेश्चंस भी ऐड ऑन हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपने ये PDF रीड करनी है तो ये PDF रीड कर लो। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यवनी सत्व की मात्रा क्या है? ठीक है, अष्टांग हृदय के अनुसार सबसे अच्छा फल है, कितने क्वेश्चंस हैं। वन टाइम भी अगर आपने ये पढ़ लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ये बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे टीम एक्सपर्ट्स जो हैं काफ़ी चीज़ें एनालाइज करते हैं हर एक क्वेश्चंस को, उसकी गहराई में जाके ये सारे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। कम से कम पता नहीं कितनी सारी बुक्स को एनालाइज किया जाता है, प्रीवियस पेपर को एनालाइज किया जाता है। मान लीजिए अगर आपने वैशर्ज्य कल्पना की PDF रीड करनी है, ठीक है, तो ये देखिए इसमें कम से कम 250 क्वेश्चंस ऐड ऑन हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल मिलाकर हम कितने जाने वाले हैं, 5 से 6 हज़ार MCQs, और 2500 से 3000, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस लगभग ऐड ऑन हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो कोर्स पढ़ना है, ठीक है, तो आप वीडियो कोर्स देख सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लास लगानी तो लाइव क्लास लगा लीजिए, अभी भी टाइम है। ठीक है, डेली टेस्ट लगाने हैं, डेली टेस्ट भी लगाइए। ठीक है, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, बात हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। ठीक है, अगर आपको मुझसे बात करनी है, इनकी विहान से बात करनी है, तो बात भी हो जाएगी। ठीक है, जल्द से जल्द व्हाट्सएप करो और खुद को आज ही कोर्स में एनरोल्ड करवाइए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, 300 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। धन्यवाद जी।